नमस्ते। पाठ 12 15 का ए का 5 नंबर एमसीक्यू। एक ठोस गोल के वक्र तल के क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक का अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा। देखिए, वक्र तल के क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल एक हो गया, एक तरफ क्षेत्रफल गोलक का है तो 4πr² अच्छा, 3 गुना आयतन, 3 गुना गुना चिन्ह देंगे और आयतन, आयतन क्या हुआ 4πr³/3, दोनों बराबर है, दोनों के बीच क्या करेंगे मान बराबर थे, बराबर देकर काटेंगे तो r का मान निकल जाएगा। तो ये r का मान कितना होगा पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपका क्षेत्रफल है, फिर आयतन, 3 गुना आयतन, क्षेत्रफल 4πr² बराबर आयतन है 4, 3 गुना ना, 3 गुना 4πr³/3 हो गया। तो r का मान पूछा है, 3 से 3 कट गया, 4π से ये 4π कट जाएगा। अब r², r³, तो देखिए r² कट जाएगा तो r बचेगा, 3 गो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो r बराबर कितना हो गया 1, तो r का मान कितना हुआ 1 ही कहीं हुआ, उत्तर ए। अब हम 15 का भी करेंगे। धन्यवाद।